Dear students of Class 10th, JK Post, Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. This is the virtual platform of Jafri Academy of Modern Education. And uh, today we are going to pick a short story from your English text. That is uh, Abile, written by our own ladakhi writer Abdul Ghani Sheikh saab सो गिविंग एन इंट्रोडक्शन अबाउट शेख साहब के बारे में अगर हम थोड़ा सा उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो शेख साहब लद्दाख से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पैदाइश उन्नीस में हुई थी और उन्होंने उनकी जो पहली जो कहानी थी वो कब शाया हुई जब वो एज अ वेटनेरियन स्टॉक असिस्टेंट के तौर पे श्रीनगर में काम करते थे उन्होंने एक स्कूल टी, टीचर के हैसियत से भी काफी काम किया है उन्होंने स्क्रीन प्ले राइटर के हिसाब से और एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने काम किया है जो भी चेंजेस रॉट बाई डेवलपमेंट आर रिकंट थीम्स इन हिस्स राइटिंग यानी कि जो भी वक्त के साथ जो भी तब्दीलियां आती हैं डेवलपमेंट्स आती हैं वो उनकी कहानी का एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट रहा है एक मेजर थीम रहा है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं साइकोलॉजिकल इंटिवशन स्टोरी प्रोफ द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल तो इसमें और क्या चीजें हैं कि जो समाज की मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन चीजों को खनी शेख साहब की कहानी में काफी एक जगह देखने को मिलती है और कोपिंग वर्ल्ड इन विच जस्टिस इज नॉट ऑलवेज द आउटकम ऑफ एक्शन एंड फ्रेगमेटिक आयरनिक एंड टें रियलिज्म तो uh, कहानी का इनकी जो इनकी लिटरेचर इस तरह से है कि जिसमें हमेशा Uh, एक आइडियल वर्ल्ड की वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जिसमें इंसाफ uh, दिखता हुआ नहीं मिले विद वर्ल्ड इन विच जस्टिस इज नॉट ऑलवेज द आउटकम ऑफ एक्शन एंड आर फ्रेगमेटिक यानी कि uh, इंसाफ सिर्फ काम और uh, काम करने से और हमेशा एक आइडियल uh, एक चीज नहीं है एक प्रैक्टिकल चीज नहीं होती बट शाम आयरानिकल रियलिज्म और उसमें कभी कभी एक जिंदगी की एक जो एक, एक सख्त एक सच्चाई होती है एक एक हकीकत होती है और एक आयरनी होती है उन चीजों का इन्फ्लुन्स गनी शेख साहब की कहानियों में हमें देखने को मिलता है और बहसियत एक लद्दाखी स्टूडेंट्स आप लोगों को शेख साहब की जो लिटरेचर है उसको पढ़ना चाहिए और उससे इन्फ्लुएंस्ड रहना चाहिए लद्दाख के सबसे एक मशहूर मकबूल स्कॉलर्स के तौर पे शेख साहब को माना जाता है और उनके इसके बगैर उन्होंने क्रिएटिव फिक्शन में बहुत काम किया है और बहुत सारी चीजों पे लिखा है उन्होंने जिस तरह से कि लिटरेचर पे लिखा है तारीख पे लिखा है फलसफा पे लिखा है कम्पेरेटिव रिलीजन पे लिखा है और उनकी किताबों में से टू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है छोटी छोटी कहानियों की दो किताबचे हैं जिनमें जो जोजिला के जोजिला के आर पार और दो रहा ए बायोग्राफी ऑन फेमस लद्दाखी पाइनर जो कि एक लद्दाख एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सोशल एक स्पेस में जिसका इन्फ्लुएंस रहा सोनम नरबू साहब की जिंदगी के बारे में एक बायोग्राफी है और एक हिस्टोरिकल नावल है वो जमाना और एक रोमांटिक नावल भी लिखी है उन्होंने दिल ही तो है जिसे जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से बेहतरीन किताब का अवार्ड भी मिला है उनके अगर नॉन फिक्शन किताबों की अगर हम बात करें तो उसमें लद्दाख की कहानी किताबों की दुनिया और जिसे सेकंड प्राइज uh, uh, मिला था थर्ड स्टेट कंपटीशन हेल्ड फॉर चिल्ड्रन सेंटिनरी ईयर इन 1986 नाउ गोविंग टूवर्ड्स दिस शॉर्ट स्टोरी दैट इज अभिले we will try to read few passages of the poem and uh, no, sorry this short story so nowadays both boys and girls pursue modern education in science and technology for a better life younger generation doesn't hesitate to travel abroad in pursuit of higher education ladakh is no exception to this trend but the reaction of the old is to the strength of the old illiterate women in particular is debatable Abile also reacts to Roxana's pursuit for education at Srinagar in her own way. In addition to cinema and motor transport, go through the short story and see for yourself whether or not Abile is justified in her reaction. Do your grandparents react to such situations in your expand manner? The story by Abdul Gani Shake portrays the problem of generation gap. तो मुख्तासर इसका लब्बे लोबाब ये है कि जो ये पॉर ये जो short story है, this is about generation gap uh, between the younger generation and the older generation. और आज के दौर में जिस तरह से बच्चे ये ना काफी वक्त पहले लिखी गई थी ये कहानी की एजुकेशन uh, के लिए लदाख से ट्रेवल अब्रॉड करते हैं मुख्तसर और इस कहानी में ये होता है कि लद्दाख इज नो एक्सेप्शन यानी कि आला तालीम के लिए लद्दाख लोग बाहर चले जाते हैं और लद्दाख इस चीज से अछूता नहीं रहा है और मगर इस बाहर जाने की तालीम के वजह से एक रिएक्शन भी आता है हमारे बुजुर्ग लोगों के बारे में जो कि इतने तालीम याफ्ता नहीं है तो उन लोगों का नजरिया क्या रहेगा इस फैल पे कि जो बच्चे हैं इस जनरेशन के बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं अभीले भी इसी तरह से रुखसाना जो इस कहानी में एक कैरेक्टर है उसके श्रीनगर जाने पर रिएक्ट करती है अपने तरीके से और आपको इस शॉर्ट स्टोरी में जानना पड़ेगा मजीद जानने के लिए तो मुख्तसरन ये एक एज गैप जो है उसके बारे में है जनरेशन के बीच में जो परसेप्शन डेवलप हो जाती है एक यंग का यूथ का एक परसेप्शन कैसा रहता है एक एल्डर जनरेशन का परसेप्शन रहता है और इनके जो बीच में जो ताजाद है उसी पे कहीं ना कहीं ये कहानी बुनी गई है सो आई विल ट्राई टू रीड फ्यू पैसेजेस एंड आप अच्छे से सुने uh. और अपने साथ साथ ही साथ अपनी किताबों पे पढ़े हुए भी जब मैं, मैं रीडिंग थोड़ा कर रहा हूं फिफ की सो नाउ वी विल स्टार्ट वेन अबी हर्ड द न्यूज ऑफ द टर्न्ड एशियन चोक्ड टर्स टर्न शी सेड ओ प्रोटेक्टर यू आर रहीम व करीम सो मर्सिफुल एंड बेनेवलेंट ग्रैंड डॉटर रुखसाना कीप हर सेफ All of us burst out laughing. Kaga, my elder brother, said, "Abi Ruksana is in Srinagar." The earthquake was hit in Turkey, which is thousands of miles away from Srinagar. But tears rolled down Abi's sunken cheeks. It is not an easy task to cajole our Abi or make her understand. How can one explain that the world has nearly two hundred countries? And that all places are not like our village, with its mere forty-fifty houses. She had become increasingly apprehensive since the evening Roxana departed to Srinagar. The bus in which Roxana was travelling had broken near Kargil. Abile argued that if the bus had broken down, it must mean that Roxana had not survived. To convince her otherwise, we had to use our eloquence to the utmost. Kaga consoled her. Abile, if the bus stopped working, it doesn't mean that it has had an accident. Buses often break down during a journey. Sometimes the oil freezes due to the cold, sometimes nuts and bolts of the engine don't function, or a certain part stops working. The driver parks the vehicle on one side of the road, repairs it and then the vehicle takes off. We also had to take extreme precautions before commenting on the news in front of Abhi. The mentions of daily happenings like the rolling of a bus into a ditch at such and such place, the derailing of a rail cart, the disappearance of an aeroplane or the firing of a bullet at some procession or other was enough to trigger an interminable series of questions. Is my is my Rukhsana safe? Was Rukhsana in traveling in that bus? Rukhsana is very curious. She must have gone to see that procession. We would start laughing, and we would admonish us us yet again for sending Rukhsana to Srinagar. When she expressed her helplessness, we comforted her, saying that Srinagar is mountain resort, that it's called paradise on earth. And every year, thousands of tourists visit Kashmir to explore it. We tried to make her understand that Roxana was in Srinagar, not out of some desperation, but to get further education and seek a better life. When we promised the next spring we would take her to Srinagar too, Abi fell silent. If we had brought up the subject of her visiting Srinagar before Roxana left, she would have risen in anger and pursed her mouth, declaring. I won't leave my children and grandchildren to go in anywhere. So we will try to dig out, to understand something from these passages. So होता kya hai ki ye ek ladakhi कहानी, family के बारे में कहानी है, जिसमें characters हैं, जो narrator himself, Abile, Roksana, उनकी grandmother और Kaga, यानि कि narrator का जो बड़ा भाई है। तो क्या होता क्या है कि अभिले ने एक खबर सुनी है कि कहीं पे तुर्की में जलजला आ गया है और जो ही ये वो खबर सुनती है तो उसके चेहरे का रंग जर्द हो जाता है रंग उड़ जाता है और उनके रुखसार से आंसू बहने शुरू हो जाती है और खुदा से दस्तोब दुबा होती है कि मैं मालिक ए रहीम व करीम हम पर अपनी रहम फरमा और मेरी प्यारी सी जो नवासी है या नाती है उस पे आपने रहम फरमा उसे अपने अमान में महफूज रखा और ये सुनते ही हम सारे फैमिली मेम्बर्स लोट पोट होके हंसने लगे और कागा जो है कागा लद्दाखी लफ्ज़ में बड़े भाई को कहते हैं वो कहने लगे कि अभी रुखसाना श्रीनगर में है और जहाँ पे जलजला आया है वो कहाँ पे है वो जलजला तुर्की में आया है जो कि बहुत दूर है श्रीनगर से मगर लेव के को इस चीज की समझ नहीं और और वो रोने लगी तो बात ये है कि अभी जब भी ऐसी कुछ बातें सुनती है तो उनको मनाना इतना आसान नहीं रहता है अब अभी को कोई कैसे समझाए कि इस दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं मुल्क हैं और एंड दैट ऑल प्लेसेस आर और ये सारी जो जगह है वो हमारे गांव की तरह नहीं है कि जहां पे सिर्फ चालीस और पचास मकीन या मकान रहने वाले लोग हों वो बहुत ही अप्रेहेंसिव हो गए रुखसाना के बारे में जब से कि क्योंकि हाल ही में सुबह के वक्त रुखसाना श्रीनगर के लिए लेह से चली गई थी और जिस बस में वो चली गई थी वो यानी कि Uh, करगिल uh, करगिल uh, जो शहर है वहां जाके वो बस रुक जाती है क्योंकि वो खराब हो जाती है uh, क्योंकि वो बस खराब हो जाती है अभीले और है, बस हेड है, अबिले को मालूम चला अभी कहने लगी कि वो बस खराब हो गई है अब मैं क्या करूंगी अब मेरी बेटी कैसे बची होगी कि नहीं बच गई होगी तो uh, उनको मनाने के लिए हमें अपनी जहानत का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता था कि हमें कहना पड़ा कि बस हमेशा ही ऐसे ही किसी जगह पे एक्सीडेंट की वजह से ही खाली नहीं रुकती है कभी कभी उसके नट बोल्ट खराब हो जाते हैं कभी कभी इंजन फ्रीज हो जाने लगता है कभी कभी तेल नहीं आने लगता है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इंजन खराब हो जाता है और गाड़ी नहीं चल पाती है और उस वक्त होता क्या है कि ड्राइवर गाड़ी को साइड में रखता है और उसे बनाता है और तब जब तक वो नहीं बनता है और बनने के बाद फिर उसे चला जाता है तो ये होता है कि इस तरह से इन लोगों को अबीले की मासूमियत को देख के अबीले की आ, उस मासूमियत को और उस एज को देखते हुए समझाना इस शिद्दत से उन्होंने उन्हें, उन्हें समझाना पड़ता था तो हमें इस चीज का भी एहतियात रखना पड़ता था कि अभी के सामने कोई भी खबर बोलने से पहले उसकी उस खबर की सेंसिटिविटी को समझना कि बिना इधर उधर बिना सोचे समझे अभी के सामने हमें कुछ नहीं कहना होता था जैसे कि हाँ जैसे कि डेली हैपनिंग्स क्या हुई फॉर एग्जांपल किसी जगह पे बस गिर गई किसी तो ये क्यों ये सारा रिलेटेड इसलिए है कि रुखसाना चली गई है श्रीनगर और अब हम उनके सामने कोई भी रोजमर्रा की चीजें नहीं बता सकते जैसे कि कोई बस खाई में गिर गई कोई रेल अपने पटरी से नीचे उतर गई कोई जहाज लापता हो गया हो या किसी जगह पे गोली फायरिंग हुई हो तो ये सारी चीजें हैं अगर हम उनके सामने बताएंगे तो एक लंबी सीरीज ऑफ क्वेश्चन हम, हमारे सामने पेश करती है जिसमें होती है कि रुखसाना क्या सेहत है हर एक चीज को रुखसाना से रिलेट करती है क्या रुखसाना भी उसी बस में जा रही थी आ, क्या रुखसाना कैसी है उसकी हालत कैसी है शी मस्ट क्या रुखसाना भी उस भीड़ में गई थी जहां पे गोली चली है तो एक मासूमियत एक झलकती है इस तरह से अभी सो नाउ कंक्लूडिंग विद दिस पैसेज की तो ये सारी जो बातें सुन के हमें हंसी आती थी और हमें ये कहना पड़ता था कि अबीले रुखसाना को हमने श्रीनगर भेजा है वंशी एक्सप्रेस और जब वो मायूस हो जाती थी वो कुछ नहीं कह पाती थी वी कम्फर्टेड हर हम उनसे कम्फर्टेड कहते हैं कि श्रीनगर एक बहुत ही खूबसूरत एक पहाड़ी जगह है और इसे दुनिया का जन्नत भी कहा जाता है जहाँ पे लाखों की हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और वो घूमते हैं वी ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड रुखसान आवाजन श्रीनगर हमने उसे मनाने की कोशिश की कि वो इसी तरह से रुखसाना कोई फजूल चीज करने के लिए नहीं गई है वो हला, सिर्फ अपनी तालीम हासिल करने के लिए गई है ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ विजिटिंग श्रीनगर बिफोर अगर हमें रुखसाना के जाने से पहले अबीले के सामने ये बात लाई होती तो अबीले रुखसाना को कभी नहीं जाने देती वो यही कहती हमेशा की मैं अपने बच्चों और अपने नाती नावासियों को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती है। और मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी तो आज हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं सेकंड पार्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अबीले वाली स्टोरी में फर्दर क्या होता है तो इसी तरह इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है मुझे दीजिए इजाजत सलामकुम